आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वाराणसी को मिलेगा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे। 24 मार्च को वाराणसी पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी करेंगे इसका शिलान्यास। चार सौ 96 अधिकारी को सीएम योगी देंगे ज्वाइनिंग लेटर। आवास और शहरी योजना नियोजन विभाग को सबसे ज्यादा 58 नए अफसर मिलेंगे। बीजेपी मुसलमानों को उर्दू में सुनाएगी मन की बात। मौलाना सुफियान निजामी ने फैसले का किया स्वागत। गाजियाबाद मेरठ में कुट्टू का आटा खाने से 160 लोग बीमार हुए। चक्कर आए, फिर हुई उल्टियां। नवरात्रि से पहले दिन खाया था व्रत। अंबेडकर नगर में डीएम ने कोविड वार्ड का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई रखने के दिए हैं दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। भाजपा मुसलमानों को उर्दू में मन की बात सुनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी या संगठन से कोई जाति लड़ाई नहीं है। हम न किसी के खिलाफ कोई गलत बात करते हैं और ना ही कहते हैं। अगर कोई पार्टी मुसलमानों के करीब आना चाहती है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, हम ये बात कई मर्तबा कह चुके हैं कि मुसलमानों की किसी भी पार्टी से या किसी भी संगठन से कोई जाति लड़ाई नहीं है। हम न किसी के खिलाफ कोई जहर अफशा बात करते हैं और ना हम ये किसी से कहते हैं कि किसी को वोट दें और किसको वोट ना दें। लेकिन अगर कोई पार्टी मुसलमानों के ताल्लुक से अपने जहन व दिमाग को साफ करके मुसलमानों के करीब आना चाहती है तो ये किसी की जागीरदारी नहीं है कि वो उनको उनके करीब आने से रोके। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी लोग मुसलमानों के ताल्लुक से अच्छे इकदाम करने के लिए कोशा हैं उनको अपनी नीयत भी साफ करने की ज़रूरत है और साथ साथ उन लोगों पर भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है जो उन्हीं की पार्टी में रहकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशा गुफ्तगू करते हैं या जहर अफशानी करते हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने महात्मा ज्योतिबा फूले संयुक्त चिकित्सा चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण में डीएम ने ट्रामा सेंटर, वन स्टॉप सेंटर और निर्माणाधीन 42 बेड कोविड वार्ड का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने कार्यदायी संस्था को साफ सफाई रखने का निर्देश भी दिया है। साथ साथ ही निर्माणाधीन कोविड वार्ड में कार्यदायी संस्था को भवन में छोटी छोटी कमियों को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत शर्मा, जिलाधिकारी अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। थर्ड पार्टी के रूप में इंजीनियरिंग कॉलेज की जो टीम है वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट की टास्क फोर्स है उसके द्वारा यहाँ का निरीक्षण कर लिया गया है। आज उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हैंड ओवर और टेक ओवर का जो प्रोसेस कम्प्लीट होना है और साथ में ये देखने के लिए कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ अभी कोई छूट तो नहीं होगी। कुछ छोटी छोटी जो कमियाँ हैं वो यहाँ पर पैक्सवेट के इंजीनियर्स मौजूद हैं, उनको बता दिया गया है। और सामने कुछ जगह खाली पड़ी हुई है जहाँ पर लो लाइन एरिया है, पानी लगता है वहाँ पे इसके चारों तरफ, तो वो भी इनको बता दिया कि इसको ठीक कर दें। और इन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर हम इसको ठीक कर लेंगे। तो जब एक हफ्ता ही पूरा करके जब ओके रिपोर्ट देंगे तो एक बार मैं पुनः आके इसको देखूँगा और उसके बाद हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसका जो लोकार्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जाए। एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे अपर पुलिस महानिदेशक पीयूष मोंडिया ने एसपी ऑफिस और महाराजगंज में बने सेंट्रल यार्ड का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए, साथ ही एसपी कार्यालय का भी निरीक्षण किया है। मिली खामियों को लेकर पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को निर्देशित किया गया। निश्चित ही कुछ इलाकों में हमेशा कुछ ज़्यादा आपराधिक किस्म के तत्व यदि होते हैं और अपराध ज़्यादा घटित होते हैं, हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें पूरे जनपद की टीम जुटेगी। यदि कोई अपराध इस प्रकार के हैं जिनका अनावरण शेष है तो हम थाने को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराकर और जो तकनीकी सपोर्ट है जनपद का, साइबर सेल का,
सर्विलांस सेल का, जनपद की क्राइम टीम का उसे उपलब्ध कराकर उन घटनाओं का अनावरण करेंगे, उन गैंग्स को पकड़ेंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तार करने तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी प्रोसिक्यूशन तक हमारा इस प्रकार से हो कि व्यक्ति को सजा मिले और जो बेल पर बाहर आए हुए अपराधी हैं, पुनः अपराध कर रहे हैं, उनकी पुरानी बेल कैंसिलेशन का कार्य भी हम तुरंत आरंभ कर दें, जिससे कि उन सभी अपराधों में वो जेल में रहे और पुनः उसका वापस बाहर आ पाना संभव, जल्दी बाहर आ पाना संभव ना हो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लगातार हो रही शराब से मौतों का तार फरीदाबाद से जुड़ता नजर आ रहा है। बता दें कि पुलिस ने फरीदाबाद से बिहार ले जा रही भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि शराब को दवाइयों के बॉक्स में पैक करके ले जाया जा रहा था, ताकि किसी को भी इस पर शक ना हो सके। पुलिस ने बताया कि रैंडम चेकिंग के दौरान उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर में एक पिकअप और कैटर में नकली शराब मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसे फरीदाबाद से बिहार ले जाया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैटर और शराब की बोतलों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसे रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी, जिससे और खुलासे हो सकते हैं। भाई, हम रोजाना पुलिस पार्टी रैंडम चेकिंग पर रहती है, अपराध की रोकथाम के लिए और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए। जो आज हमारी पुलिस पार्टी ऐसी रैंडम चेकिंग पर थी, तो हमें सूचना मिली कि दो तीन लोग अपनी कैंटर और पिकअप में नकली शराब बना के लेबल लगा के और बिहार भेज रहे हैं जी, जो किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, और वो गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं। तो हमने उनको रैंडम चेकअप किया, तो एक पिकअप जिसका नंबर DL1LA7206 वाइटन और एक कैंटर UP16JT8707। तो इनमें चेक किया तो इनमें राकेश नाम का व्यक्ति बैठा हुआ मिला ड्राइवर के साथ, जिसको पूछे हुए उसने अपना एड्रेस पीछे नंगलारती आगरा रोड मैनपुरी बतलाया। कानपुर के करौली शंकर महादेव पर एक परिवार ने बड़े आरोप लगाए। बता दें कि एक परिवार अपने बेटे के मानसिक स्वास्थ्य को सही कराने करौली आश्रम गए थे। आश्रम में हवन के अगले दिन बीमार बेटा गायब हो गया, जिसके अगले बेटे के पिता भी लापता हो गए। बता दें कि करीब 10 दिन बाद आश्रम में 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव में मानसिक रूप से बीमार बेटा मिला, लेकिन पिता की तलाश अभी भी जारी है। मामले की जाँच कराने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जी, एक देवघर के व्यक्ति हैं, झारखंड देवघर, उमेश यादव जी। उन्होंने सूचना दी है कि वो अपने पिता और अपने तीन भाइयों स्वयं को लेकर के, यानी कि चार लोग आए थे, और 26 जनवरी को करौली आश्रम में उन्होंने बताया है कि वो गए थे। वहाँ पे जो रिचुअल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उन्होंने किया, और उन्होंने ये बताया कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे उनके पिताजी कहीं चले गए और तब से उनके पिताजी जो है लापता हैं। ये रिपोर्ट उन्होंने एडिशनल DCP साउथ के ऑफिस में 9 फरवरी को दी। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल मौजूद हैं। करौली में ये एक विवादास्पद वाक्य सामने आया है, जिसमें हवन के रूम में लिया पिता ने एक आरोप लगाया है। इसकी आगे की क्या जानकारी इसको लेकर और क्या मामला है पूरा? जी बिल्कुल, बीते 26 जनवरी को कानपुर में एक करौली बाबा का छुट्टी सर्विस करके चल रहे हैं, उससे बड़ा कांड हुआ था। और 26 जनवरी को एक परिवार था जो कि यहाँ पे आया था, कानपुर साउथ जोन में, और उसमें एक बेटा मिल गया था जो बाप अभी भी गायब है। कहीं ना कहीं पुलिस ने मुकदमा लिखा और उस पर कार्रवाई जो है अंदर सब पे बिगड़ती नजर आ रही है। और जिस हिसाब से पुलिस करौली बाबा पर शिकंजा कसने के तैयार है, क्योंकि करौली वाले बाबा पे लगातार पिछले सालों में मुकदमे के बाद इस तरीके करौली बाबा इस टाइम हाईलाइट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करौली बाबा के लिए भी एक बड़ा समय आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इनसे कब तक बड़ी कार्रवाई करती है। अनिल, पहले बेटा गायब हुआ, उसके बाद पिता गायब हुए, इसको लेकर उनके परिवार वालों का क्या कहना है? जी, परिवारजन जब देखा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो परिवारजनों को भी एक आशा की किरण दिखी कि कहीं ना कहीं
पुलिस संज्ञान में संज्ञान जिनको बेटा पिताजी खोए हैं तो कहीं ना कहीं मिल जिसके चलते अभी घर वाले फिर से कानपुर के पुलिस जो भी कठोर जांच की जाएगी की जाएगी और जो हो सकेगा तो आपके पिताजी को ढूंढ कर निकालेंगे। और पुलिस लगातार करौली बाबा के धाम में जो भी लगभग 1000 से ऊपर ज्यादा कैमरेज लगे हैं सभी की जांच कर रही है। अब देखने वाली बात हुई पुलिस से अनिल इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लखनऊ के अलीगंज में आईएचएम कॉलेज में नियमित आहार में मिले टसी अन्न पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बता दें कि मोटा अनाज के उत्पाद और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया गया जिसके तहत होटल प्रबंधक संस्थान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि रीजनल डायरेक्टर ईग्यू मनोरमा सिंह उपस्थित रहीं। आईएचएम कॉलेज के प्रिंसिपल एमके दास ने सेमिनार के दौरान कहा कि यदि अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना है तो खाना पान में मोटे अनाजों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये कहना चाहते हैं सबसे पहले तो आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट कि इन लोगों ने इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया क्योंकि ये जितने भी ये मिलेट्स हैं ये जो श्री अन्न है ये हमेशा से हिंदुस्तान के डाइट का पार्ट रहा है लेकिन बीच में चूंकि हम अपने वेस्टर्नाइज होने के सफ़र में इतना भूल गए थे कि ये हमारा ओरिजिन है। पहले इसको गरीबों का अन्न कहा जाता था क्योंकि और आई वॉज टेलिंग एवरी वन कि ये जो है मेरे फादर ये भी कहते थे कि ये गरीबों के लिए ऊपर वाले ने पैदा किया है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने पाए और तो आदमी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझता था लेकिन धीरे धीरे हमको ये समझ में आया है कि जो हमारा ओरिजिन था जो हमारा एक्चुअल सेल्फ था वो यही है और ये अब हिंदुस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि वो पूरी दुनिया को ये बता सकता है कि एक्चुअली मिलेट्स जो हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स आपके जो आप और खानों की तरफ जा रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। ये सेमिनार जो है एडॉप्शन ऑफ मिलेट इन रेगुलर डाइट, अगर हम लोग अपने खाने पीने में मिलेट्स को ले लेंगे और जैसा हम सबको पता है कि ये वर्ष 2023 इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी इसकी जागरूकता है। जगह जगह जाके छोटे छोटे कार्यक्रम करके नुक्कड़ नाटक करके इसकी जागरूकता बतानी चाहिए कि क्या इससे फ़ायदा है। इसको सुपर फूड के रूप में भी कहा गया है और श्री अन्न भी इसको कहा गया है। इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू है और बहुत सारी बीमारी, अगर हम लोग मिलेट को अपने भोजन में दिन रोज़मर्रा के भोजन में अगर इसको लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से हमारी सुरक्षा हो सकती है जैसे शुगर, बहुत सारी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारी है, ओबेसिटी है, तो इन सब बीमारियों से हमारी सुरक्षा हो सकती है। जी नमस्कार, आज हमारे यहाँ एक सेमिनार है जिसके अंदर हम मिलेट बेस या मोटा अनाज जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 भारत सरकार ने जो स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार के सेमिनार कर रहे हैं। खान पान का जितना भी काम है वो बना रहे हैं इसके अंदर और अलग अलग चीज़ें जो एमरेंथ जैसे एक रामदाना हम बोलते हैं कि बाजरा, ज्वार, जैसे मोटा अनाज जितना भी चीज़ है, जौ, ये सारी चीज़ें जो मोटे अनाज में जो चीज़ें काउंट आती हैं वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने अभी ये रखा हुआ है यह है मिलेट साबले सरप्राइज, इसके अंदर हमने ज्वार का यूज़ किया है, मक्खन, ज्वार और बीच में हमने इसके अंदर क्रैनबेरी जूस जो जूस आता है उसको हमने जेलेटिनाइज करके उसके अंदर फिलिंग डाल दी जेली बना के। आगे हमारे पास रागी जो हमारा एक मोटा अनाज होता है उसके बेस पे हमने एक पेस्ट्री बनाई है टी फैंसी के तौर पे छोटे साइज़ की, वो पेस्ट्री बनाई है, इसमें हमने रागी यूज़ किया है। फिर अगेन तुम्हारा ये हमारा जो अप्पे है साउथ इंडियन काफ़ी अच्छी डेलिकेसी है, इसके अंदर हमने दोबारा से ज्वार, चावल, उड़द दाल इसको मिला के अप्पे बनाया है उसको यूज़ किया है। आज का कार्यक्रम है अडॉप्शन ऑफ मिलेट्स इन डाइट्स, तो इसी क्रम पे हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो ये कार्यक्रम में हमारा परीक्षा चलते हुए भी मिड टर्म परीक्षा भी चल रहे हैं मगर जिसका परीक्षा नहीं है हमें उन्हीं को बुला के शामिल करा गया है और इसके लिए हमें शहर की बड़े बड़े संस्था से जो स्पीकर को बुलाए हैं तो उनका भाषण के माध्यम में, उनका प्रेजेंटेशन के माध्यम में, उनका वीडियो दिखाने का माध्यम पे हमें बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो आज आपने देखा हुआ जो सेटअप है उसमें से काफ़ी हमने सैंपल रखे हैं अलग अलग तरीका का जो मिलेट्स है हमारा मिलते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राज्य में मिलती है उसको हमने वहाँ पे प्रेजेंट भी करा गया है और एक रेसिपी बुक भी हमने दिया है अगर आपने देखे होंगे वो रेसिपी बुक में काफ़ी रेसिपी, तमाम रेसिपी जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करा गया था वो रेसिपी भी यहाँ पर है और उसका विधि भी दिया गया है, पिक्चर भी दिया गया है। ये सब हमारे संस्था में स्टाफ और स्टूडेंट्स मिल के
कर रहे हैं। ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ में एक पिछले वर्ष से, जब से ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित हुआ है हमारे यूएन की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है जिन्होंने इसको प्रमोट किया और पूरा विश्व इस वक्त इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तरीके से मना रहा है। तो हम एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें पूरे वर्ष भर हमने एक कैलेंडर बनाया और उसमें हर दिन, हर एक हफ्ता कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम हमने किया, जिसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि जो आम जनता है उस तक भी अपनी बातें पहुंचाई। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि फसलों के नुकसान को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष तौकीर फरहत ने कहा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हैं कि जो भी इस आपदा में किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाए, नहीं तो आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी 3 दिन पहले जो दैवीय आपदा के चलते जो बेमौसम बरसात हुई और ओलावृष्टि हुई, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल, आलू की फसल, और विशेषकर हम लखनऊ से हैं इसलिए हमारे लखनऊ में जो आम की फसल बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में आम जाता है लखनऊ से, मलियाबाद से, ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिनकी भरपाई के लिए हमारी मांग है, भारतीय किसान यूनियन की मांग है कि मुख्यमंत्री महोदय जमीनी स्तर पर इसकी जांच कराएं, जिन किसानों का जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए, क्योंकि आकस्मिक बरसात हुई है जिससे किसान बर्बाद हो चुका है। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या का शव नदी में फेंकने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना के बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव को बरामद कर लिया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक ने आरोपी के कुछ पैसे उधार लिए थे, तो जब उसके अपने उधार के दिए हुए पैसे वापस मांगने गया तो आरोपियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाले एक युवक ने, जिसका नाम पप्पन है, उसको सूचना दी है कि वो दया फार्म में दुर्गा के साथ सोया हुआ था। रात्रि लगभग 2 बजे के करीब में आज शांतिनगर का रहने वाला मुकेश अपने 2 अन्य साथियों के साथ आया और उसने दुर्गा की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी सूचना पप्पन ने दी तथा शव को पप्पन के अनुसार मुकेश और उसके 2 अन्य साथी कल नहर मुरादनगर लेकर गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने पिक किया है और उसके बाद वापस पप्पन का कहना है कि उन तीनों लोगों ने इसको वापस इसके घर पर सकुशल छोड़ दिया और उसके बाद ये सूचना देने थाने पर आया। यहाँ पे पार्किंग में जो श्री कृष्णा है इंटर कॉलेज, उसके बराबर पार्किंग थी बजरंग प्रॉपर्टी, उसके साथ एक पप्पन था। तो ये घटना है 12 बजे के करीब की, छोटे वाला भैया आया था, वहाँ जाके लेट गया पार्किंग पे, फिर उसके बाद 3 जने गाड़ी लेके आए होंडा सिटी, पप्पन और बुरा सो गए थे, ये उसमें से 3 जने मुकेश उतरा, उनने जाती छोटे वाले के गोली मार दी बुरे के। इतने में पप्पन हड़बड़ा के उठा, जो कुछ पता नहीं क्या दिक्कत हुई क्या परेशानी, देखा तो छोटे वाले के गोली मार के वो मर गया था ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद डेड बॉडी को वो जल्दी जल्दी गाड़ी में धरी और पप्पन को गन पॉइंट पे साथ में ले गए। मर्डर के उससे आए थे वे, उनका जो लेन देन के ऊपर में था और उसमें जो पप्पन भी साथ में था। हरदोई के मंजिला थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर मामले में आईजी ने जायजा लिया है, जिसके बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए। बता दें कि परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों ने कोतवाली देहात के लखनऊ हरदोई हाईवे को जाम किया, जिसके बाद एसडीएम सदर और सीओ सिटी ने समझाने का किया प्रयास लेकिन परिजन नहीं माने। वहीं बता दें कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। अभी इस हत्याकांड की तफ्तीश की जा रही है
और जो एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ है जो वहाँ पर मौजूद था घटना के समय और बच गया था, तो उसने जो तथ्य बताए हैं उनकी हम छानबीन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं जो सुराग हमें मिले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो गांव में जो प्रधानी की कुछ रंजिश की बात सामने आई है उसी के चलते ये घटना कारित किया जाना बताया गया है, तो उसकी तफ्तीश हम पूरी तरह से कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। संभल में युवती से छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक युवक ने अपनी दुकान पर काम कर रही युवती के साथ छेड़खानी की, जिसका विरोध करने पर युवक युवती को चाकू मारकर वहां से भाग गया। घटना के बाद युवती को परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर विरोध जताया है। सूचना के बाद पुलिस ने छेड़खानी और जानलेवा हमला करने की धाराओं में केस दर्ज किया है। 2 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। भांजी, 2 भांजी है मेरी, सालू एक कुक्कू जी, दोनों रोड पे दुकान है, उसमें चवे ने काम करते हैं ये जी, चोला के लड्डू बना रही थी ये जी। ये लड़का घर वाले का आया, गाली गलौज बदतमीजी करने लगा, लड़की ने अपना पक्ष बचाने की कोशिश करी, लड़की ने अपना चक्कू निकाल के इसके सीने पे मारने की कोशिश करी, ये लड़की पीछे होने के कारण चक्कू जांग में लग गया जी और लड़का भाग गया। बाद में पब्लिक उससे, लड़के का क्या नाम है, सोयाब नाम उवेश नाम है, बाप नाम इब्राहिम, गाँव घरवारा, अच्छा थाना रहने वाला है। फिर क्या हुआ, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने कानून कार्यवाही की। थाना असनौली में श्री हरिशंकर सनाब गोपीचंद निवासी ग्राम असनौली ने थाने पर सूचना दी कि उनकी भांजी को एक युवक का वेश पुत्र इब्राहिम द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। इस संदर्भ में तत्काल ही अभियोग पंजीकृत होते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में जाँच करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।